So guys, here's the plan. कल दोपहर को 12 बजे जयेश गांधी मॉरिशस से मुंबई लैंड करेगा। जिस तरह किरण गांधी को मारा गया था, उसी तरह उस पर भी अटैक हो सकता है। मदन, मुझे वहां पर एक बुलेट प्रूफ कार चाहिए, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमने डायमंड स्मगलिंग केस में इस्तेमाल की थी। गाड़ी का इंतजाम हो जाएगा। आई थिंक बुलेट प्रूफ कार के साथ हमें और मैन पावर भी रखना चाहिए। यू आर राइट। अगर रास्ते में कार में कोई खराबी आ जाती है तो फॉलोअप के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। अजीत, तुझे क्या लगता है कि मैं गाड़ी को बिना चेक किए भेज दूंगा? तू पर्सनली क्यों ले रहा है? मैंने ना जिंदगी बिताई है इन स्पीड की मशीनों के बीच। ये किसी के बाप की नहीं होती है। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे मेरा काम मत सिखाया कर। सिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। गाइस, बशीर की तरह बर्ताव मत करो प्लीज। एंड या चंद्रिका एंड अजीत, यू राइट। मदन, मुझे वहां पर दो और गाड़ियां चाहिए जिसमें हमारे 10 आर्म्ड ऑपरेटिव्स रहेंगे। एंड दे हैव टू बी हैंड पिक्ड। ओके, हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट यू बशीर, एनी सजेशन? जिस तरीके से तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, तो अगर मैंने कोई सजेशन दे भी दिया तो तुम मानोगे नहीं। गुड पॉइंट बशीर, आई लाइक इट। तुम अपने चीफ से ऑर्डर्स लेने की आदत डाल रहे हो, वेरी गुड। रवीना, एयरपोर्ट से थाने कोर्ट जाने के विजुअल्स प्लीज। श्रीकांत, 3-4 रोड्स को छोड़कर हर रोड पर सीसीटीवी कैमरास है। आर्मर वैन्स के रूट को हम फॉलो कर सकते हैं। रवीना, आई एम इम्प्रेस्ड। तो गाइस, जयेश गांधी के लैंड करने के ठीक 1 घंटे पहले हम लोग एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। स्लीप वेल टुनाइट गाइस, मैं चाहता हूं कि फील्ड पर सब लोग अलर्ट रहे। एक्सक्यूज मी, कार्ला, यार तुम बिलीव नहीं करोगी, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। सीरियसली, तुम्हें ना चीज खाना छोड़ देना चाहिए। चीज? तो अब तुम्हें मेरी लाइनें चीज़ी लगने लगी है क्या? यार सच बोलने का टाइम ही नहीं रहा। बाय द वे, एसओटी चीफ श्रीकांत मात्रे, कांग्रेचुलेशंस, तुम सर जीत गए। तो अब मेरा डिनर कल रात 8 बजे मेरे घर। डन। एंड डोंट बी लेट। अरे मेरी क्या शामत आई है जो मैं लेट होऊंगा। चलो, आई गॉट टू गो, बाय बाय। रमाकांत, रिलैक्स हो जा यार, तू मेरे को टेंशन में डाल रहा है। आपको मालूम है कल जयेश गांधी मॉरिशस से आ रहा है और आप यहाँ पे रिलैक्स होके बैठे हो, एकदम टेंशन फ्री, जैसे कि आपको किसी भी बात की कोई फिकर नहीं है। कल आ रहा है ना? हाँ कल। तो इस वक्त क्या मैं चौके पे 12 बजे के भजन करूं? अरे यार, ये किरण गांधी का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया ना, बोलना। अरे हाँ किया। हाँ तो वैसे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लूँगा। कैसे हो जाएगा? आपको मालूम है उसको एसओटी वाले सीधा एयरपोर्ट से कोर्ट लेकर जाने वाले हैं, पर आप कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अरे थई जैसे शांति राख, मारा बाप बदू थई जैसे। चल एक राज की बात बता दो, तूने वो पार्कर का नाम सुना है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पार्कर। हाँ सुना है, साथ में यह भी सुना है कि इस नाम का कोई आदमी है ही नहीं। ये सिर्फ कहानियां हैं जो इंटरनेशनल मीडिया ने क्रिएट की है। कहानी तो है लेकिन ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। चल अब तू रिलैक्स हो जा और ये पार्कर पे सब छोड़ दे, वो सब संभाल लेगा। जेंटलमैन, जयेश गांधी कल दोपहर 12 बजे बॉम्बे लैंड करेगा। दोपहर 2 बजे ठाणे के एक स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा है। उसे एस्कॉर्ट करने का काम सर्जिकल ऑपरेशंस टीम यानी कि एसओटी को दिया गया है। उसे जिस गाड़ी में लेकर जाएंगे या तो वो बुलेट प्रूफ होगी या फिर आर्मर्ड।
और भी गाड़ियां हो सकती है, इसलिए प्लान ध्यान से सुनो. Alright, I want everyone's attention. Jayesh Gandhi के एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही 15 मिनट में SOT टीम उसे इमिग्रेशन से बाहर निकाल लेगी. बारह बज के 20 मिनट पर वो हाईवे पर होंगे. वरुण, दिस इज वेयर यू स्टेप इन. यहां से तुम उन्हें फॉलो करना स्टार्ट करोगे. हाईवे पर जाते हुए वो या तो सबसे पहला लेफ्ट लेंगे कलीना यूनिवर्सिटी से, या फिर सीधा जाकर BKC से लेफ्ट लेंगे. रॉय, यू टेक ओवर फ्रॉम हियर. और वो उन्हीं रूट्स पे अप्लाई करेंगे जिन पर CCTV कैमरास इंस्टॉल्ड हैं. जनरल मिनिस्टर, काम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां से हमें सेफ पैसेज मिले, एस्केप रूट. और वो जगह है वाशी बाईपास. क्रिश, तुम वहां पर एक कंटेनर ट्रक में वेट कर रहे होगे. जैसे ही जयेश गांधी को लेकर SOT टीम वहां पर पहुंचेगी, रॉय तुम्हें कॉल करेगा. दैट्स व्हेन द एक्शन बिगिंस. पीछे ले गाड़ी. तू इसके साथ रुक, तुम दोनों मेरे साथ आओ. श्रीकांत बाहर आ जाओ, मैं और चंद्रिका आपको कवर देंगे. जयेश गांधी, गाड़ी से नीचे मत उतर जाना बस. अरे वो भाई अभी बोल के गया, मुझे छोड़ के मत जाना. अगर जिंदा रहना है ना तो जो मैं कह रहा हूं बस वो करो. मदन मुझे कवर दे जल्दी.
क्या सिचुएशन है? चेक कर, चेक कर, चेक कर। ये जिंदा है, जिंदा है। चल, शाबाश, शाबाश। कुछ नहीं होगा तुझे। चल खड़ा हो। शाबाश। चल। We need a medical backup. श्रीकंद के पास जा। हाँ। वाशी बाईपास के पास। Now. Guys, I think Bashir is down. मैं जयेश गांधी को देखने जा रहा हूँ। पोजीशंस पर छोड़ना, ये हमें किसी भी हालत में चाहिए। Good looking. Easy boy. Ah, the S.O.T office, huh? I'm impressed. Nice setup. World class. नाम नहीं बताया तूने अपना? नाम अगर तुम्हें पता चले तो मुझे भी बता देना। आई एम ऑल्सो क्यूरियस। यू क्यूट ऑफिसर, मुंह से बात करो। कोऑपरेट कर रहा हूं ना? हम भी तो कोऑपरेट कर रहे हैं। खड़ा है ना अपने पैरों पे? नाम बता जल्दी। चल श्रीनिवासन वेंकटरानन बनकंदन तिरुचुपिल्लई, इन शॉर्ट तलाइवा, द किंग ऑफ किंग्स। बशीर, इसे प्रोफाइल रूम में लेकर जाओ। रवीना, जैसे इसका प्रोफाइलिंग हो जाए इसकी कुंडली निकालो। जल्दी पेन।
जल्दी करना। तुम दोनों बांधो इसे, पकड़ इसे, पकड़ो, पकड़ो इसको, दो यार, दो। चलो बांध इसे, बांध, बांध, बांध। देखो ये भागना चाहिए। पारिक भाई बोलो, बोलने के लिए कुछ बचा है क्या? पार्कर को वो एसओटी पकड़ के लेके गए। जयेश तुम्हारे पास है? वो हमारे पास है। उसने कुछ दिया? उसकी गाड़ी में अच्छे से तलाशी की। उसके पास कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। अरे तो उसे डराओ, धमकाओ, जरूरत पड़े तो मारो उसे। मुंबई में किसके पास उसने कुछ रख दिया होगा? देखो ये काम पार्कर का है। एक घंटा पार्कर एसओटी से निकल के आके उसके पास से लेने जाने वाला है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ए पारेख, तमीज से बात करने का। तेरे बाप का नौकर नहीं है मैं। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, भूल देगी भूल देगी। मैं ये कह रहा था कि चाह करता कितनी वधारे गरम छे। चंद्रिका, हमारे ऑपरेटर्स की क्या सिचुएशन? दे आर सीरियस बशीर, डॉक्टर ने उन्हें 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। और मदन? हाथ पे चोट लगी है, एक्सरे रूम में है अभी। लिसन, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अपडेट मी व्हेनेवर यू कैन। गॉट इट। ओके बाय। Where are you, Shrikant? Guys! जो मछली हमने पकड़ी है ना, वो शार्क है, शार्क। जिस आदमी को हमने अरेस्ट किया है उसका नाम पाकर है। अंडरवर्ल्ड में ही इज अ लेजेंड। दुनिया की किसी भी पुलिस नेटवर्क के पास उसकी प्रोफाइल नहीं है सिवाय टर्की के, और वो भी ये एक ग्रेनी सीसीटीवी फोटो। That's it? Yeah. 2 साल पहले इसने मॉरिशस के कॉन्सुलेट जनरल का किडनैपिंग किया था टर्की से, और हमारे ही केस की तरह इसके आदमियों ने किडनैपिंग तो कर ली पर ये खुद पकड़ा गया। एंड गेस व्हाट, इससे पहले कि उसकी प्रोफाइलिंग हो सके ही एस्केप्ड। इसलिए इसकी कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है सिवाय इस फोटो के। चाय पिएगा? श्रीनिवासन वेंकटराजन मणिकंदन तिरुचुपिल्लई, इन शॉर्ट पार्कर। आइडेंटिक मेमोरी है, एक बार कोई भी चीज देख लू सुन लू तो दिमाग में छप जाती है। आखिरी बार तुझे टर्किश पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन तू वहां से भाग निकला। यहां से भी निकलने का कोई ना कोई प्लान तो सोचा होगा तुमने। फिलहाल तो नहीं सोचा है, आगे देखते हैं। देख पार्कर, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। जयेश गांधी कहां है? अगर मेरे आदमी को उसके पास से सारे सबूत मिल गए तो समझ लो कि वो मर चुका है। यानी उससे मिलने के लिए तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, अगर उसके पास सबूत नहीं है इसका मतलब वो जिंदा है। कहाँ है ये मेरे नाम की तरह पता कर लो। शॉर्टकट्स क्यों ढूंढते ऑफिसर? ऑफिसर नहीं, एसओडी का चीफ श्रीकांत मात्रे। सॉरी, कौन है? इंटरोगेशन कर रहे हैं, दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। एसओडी की इंटरोगेशन? तुझे देख के ना मुझे वो टर्किश ऑफिसर याद आता जिसने 2 साल पहले मुझे अरेस्ट किया था। ये तुझे बताओ मैं वहां से कैसे भागा? Why not? All right, this is very interesting. So who are you?
कि उसने भी तेरी तरह मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, फिर परेशान होकर मुझे एक रात का टाइम दिया और अपने घर चला गया। घर पहुंचा तो उसके घर का दरवाजा खुला था, अंदर घुसा तो उसके पैर जम गए, जैसे जैसे फ्रिज में आइस क्यूब जम जाते। उसकी बीवी और उसके बच्चे कुर्सी पर बंधे हुए थे और उन तीनों के बीच में टाइम बॉम्ब। ऑफिसर समझदार था, वो फौरन दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन आया और अपनी गाड़ी में बैठाकर मुझे बॉर्डर तक छोड़ने के लिए गया। पर क्या है ना, मुझे अपने पीछे विटनेस छोड़ने का एक फोबिया है, इसलिए उसे मुझे मारना पड़ा। मैं तुझे क्यों बता रहा हूं इसके बारे में? हाँ, तुझे देखकर मुझे उसी की याद आती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी तो समझ गए होंगे ना? ऑफ कोर्स। तो तू ये कहना चाह रहा है कि तुझे सोचने के लिए आज रात का समय चाहिए, राइट? श्रीकांत मात्रे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई मामलों में तुम्हारे मेरे बीच बड़ी समानता है। I kind of like you. लेकिन उस ऑफिसर, उसके बीवी बच्चे और बॉम्ब के बारे में तो तुमने सोचा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं, पार्कर। और दूसरी बात, ये टर्किश पुलिस नहीं है, हिंदुस्तानी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। चल मैं भी तुझे 10 घंटे दे देता हूं। अभी रात के कितने? 11 बजे। आराम से फैसला कर, क्योंकि कल सुबह इस रूम में जो भी होगा उसके लिए सिर्फ तू जिम्मेदार रहेगा। डिनर करेगा? कॉन्टिनेंटल इफ यू प्लीज। रवीना, सेंड समवन इनसाइड प्लीज। इन्हें जो कुछ भी चाहिए दे दो, वही कल सुबह तक हमारे मेहमान है। सी यू। सी फाइव स्टार में एक रूम भी बुक करवाए थे ना उसके लिए, बेचारा भरी जाता रात को। शिराज नहीं यार, प्लीज आज मेंटली बहुत थका हुआ है। विल डील विद इट टुमारो। आप मिली क्या कर रहे हो? गोली चल जाती मुझसे, ये दरवाजा खुला था तो गन तो हाथ में आएगी। वैसे तुम अंदर कैसे? नेशनल सीक्रेट है, बता दिया तो गोली मारनी पड़ी। अच्छा, मेरी लाइन मुझ पे इस्तेमाल की जा रही है। वाव, डिनर लुक्स डिलिशियस। कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया? इसे कॉम्प्लीमेंट समझो या टॉन्ट? ये सब मैंने बनाया। फिर तो तुम गलत प्रोफेशन में आ गई कार्ला। तुम्हें भी किसी 5-स्टार होटल में शेफ होना चाहिए था। वैसे तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं अटेंड किया? Look who's talking. I'm sorry यार। वो क्या है ना, आज ही मेरा पहला नया केस शुरू हुआ था और श्रीकांत मेरे घर पे ना आने का रीजन मैंने तुमसे पूछा।
नहीं कार्ला, बट क्या तुम क्यों भूल जाते हो कि मैं भी एसओटी में हूँ? कमिश्नर ने जो केस तुम्हें दिया था उसकी ब्रीफिंग मुझे भी मिल गई। गुस्सा इस बात का नहीं है कि तुम नहीं है, गुस्सा इस बात का है कि तुमने एक मैसेज तक नहीं किया। दिस पास्टर इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। टॉपिक चेंज मत करो एंड अपोलोजाइज टू मी। अच्छा बाबा, कान पकड़कर माफी मांगता हूँ, माफ कर दो। इसके बारे में मैं कल सोचूंगा। अरे मेरी टिफिन का घर भेज देना, मैं जाता हूँ। अरे पर तुमने तो खाना खाया ही नहीं। बड़ी जल्दी याद आ गया। गुड नाइट। I'm sorry sir, I take complete responsibility. जो कुछ भी पॉसिबल था हमने किया। फिर भी जयेश गांधी तुम्हारे नाक के नीचे से किडनैप कैसे हुआ? श्रीकांत तुम जानते हो कि सेंट्रल का मुझ पे कितना प्रेशर है। माय जॉब, माय इंटीग्रिटी, माय जजमेंट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ट्रस्ट मी सर, सिचुएशन अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में है। हमने पार्कर को अरेस्ट कर लिया एंड ही इज द ब्रेन बिहाइंड द किडनैपिंग। आई डोंट वांट टू सी यू आर कंट्रोल एंड ऑल दिस रविश, ओके? जयेश गांधी और उसके पास के सबूत अगर हमें नहीं मिलते हैं तो सिर्फ तुम्हें नहीं पूरे एसओटी टीम को होम मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ेगा। सो गेट द रिजल्ट एंड गेट देम फास्ट। यस सर। ओके कटवा देना पहले केस में। तो तुझे सच में लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार? नहीं तो और कौन है? अगर मैं चीफ होता ना तो सबसे पहले मदन के ऑपरेटिव और आर्मर्ड कार को एयरपोर्ट पर बुलवाता। किडनैपर्स को मिसलीड करने के लिए जयेश गांधी को आर्मर्ड गाड़ी में नहीं नॉर्मल गाड़ी में भेजता। किसी भी टीम को लीड करने के लिए श्रीकांत मात्रे स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए रूल्स और कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। हर जगह एडजस्टमेंट नहीं चलता। तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से क्या हुआ? हमारे चार ऑपरेटिव मरे, चार। कुछ एहसास है इस बात का? और जो इंजर्ड है वो अलग। अब इस पार्कर को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। बात खत्म। मुझे इंटरफेरेंस की चेस में कोई नहीं। बशीर, 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 रुक। देख तू ऐसा नहीं कर सकता। श्रीकांत, मुझे इस आदमी के साथ सिर्फ 5 मिनट दे दे। ये जयेश गांधी तो क्या अपनी 7 पुश्तों का पता बताएगा? अरे तू अपने सिर पे बर्फ डाल पहले थोड़ा। बर्फ डाल? अरे इसकी वजह से हमारे 4 ऑफिसर मौत से लड़ रहे हैं हॉस्पिटल में। बर्फ तो अब उसने जख्मों में डालेगा। अरे तू पागल हो गया है? रुक, देख तू अब मैं क्या कर। अरे क्या कर रहा हूं? मतलब बशीर, 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 दरवाजा खोल। बोलना शुरू कर। जयेश गांधी कहाँ? Where are your manners, officer? Good morning. यार तूने तो बोला था कि ये SOT का इंटरोगेशन वर्ल्ड क्लास है। तुम तो वही गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हो। अभी तो गुस्से में अंदर आएगा, फिर वो गुड कॉप बनकर अंदर तुझे रोकने के लिए आएगा। अब एक गोली जब तेरे सर में लगेगी तो तेरा सर तरबूज की तरह फटेगा कि संतरे की तरह। प्रेडिक्ट करना है इसको, करना है तो प्रेडिक्ट। जयेश गांधी का एड्रेस इसी खोपड़ी के अंदर है ऑफिसर, और तू अपनी इस खाली रिवॉल्वर से ये खोपड़ी उड़ाना चाहता है। तुझे लगता है जयेश गांधी जैसे लोगों के मरने जैसे मुझे फर्क पड़ता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 4 ऑफिसर तूने मेरे मारे हैं ना, उनके जीने मरने से मुझे बहुत फर्क पड़ता। तो चला चला ना, मैं भी देखता हूँ तेरी खाली रिवॉल्वर से गोली कैसे निकलती है। चला ना। तेरा दिमाग घूम गया? तेरा दिमाग घूम गया, तू गोली चला रहे? बशीर, ओए! मैंने बोला था ना मेरे काम के पीछे मत आना। मेरे पे गोली चलेगा? है मेरे पे गोली चलेगा? आजा। ये गया तो जयेश गांधी भी गया। हाँ मैं गया जयेश गांधी, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। छोड़, गन छोड़, पागल हो गया क्या तू? निकाल, छोड़। यहाँ से भी निकलने का कोई ना कोई प्लान तो सोचा होगा तूने। जल्दी करना। छोड़ से, छोड़, छोड़, गन छोड़ बसी। श्रीकांत, श्रीकांत, ये क्या कर रहे हो तुम? Time, please, time, please, time, please. In a safe voice.
Hey, relax. अगर इसकी बॉडी में एक्स्ट्रा होल नहीं चाहते हो ना, तब स्मार्ट बनने की कोशिश करो। होल समझता ना असल। चल खड़े रहे। नीचे रहे। ये। वेट। इजी बशीर, बशीर इजी। जाओ। छे। छोड़ दे। तुम क्या समझते हो? तुम यहाँ से जिंदा निकल जाओगे? अरे समझता नहीं हूँ, जानता हूँ। और तुम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। मैं मार दूंगा। पीछे 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 बॉयज, कम ऑन कम ऑन, डोंट। मैं मार दूंगा। It's your car. What do you drive, girl? Where's your car? Come, come, come. Come, come, come. Stay here. Give me the keys. Give me the keys. Come on, do that smart now. Aur ha, apne us angry young man ko bolna. Char nahi, 5 S.O.T. ke officers gira rahe. Oh, sorry, tum kaise bologe? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.